हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट प्रो प्लस। आज मैं आपको कुछ 5-6 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको कॉन्स्टिपेशन या कोई भी डाइजेशन इश्यूज हैं उसको क्योर करने में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 2 से 3 लीटर डेली का वाटर इनटेक करना है, लेकिन उस पानी को आपने कैसे पीना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत मैटर करता है कि वाटर इनटेक तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। आप पानी ऐसे ना पिए। दूसरा, आप एक बार में कितना पानी पी रहे हैं। आप एक बार में आधा ग्लास पानी पिए, आधा पौना ग्लास पानी पी सकते हैं, लेकिन उसको बैठ करके सिप सिप करके पिए। कभी भी पानी एक ग्लास एक साथ ना पिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो आपके माउथ का जो स्लाइवा है वो आपके पानी के साथ अंदर जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप वाटर इनटेक बढ़ाइए और पानी को धीरे धीरे बैठ के सिप करके पीजिए। दूसरा है, अपनी डाइट में होल ग्रेन या फाइबर रिच फूड लीजिए। फाइबर रिच फूड जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, रो वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पल्सेस में भी अच्छा फाइबर होता है, आप इनको अपनी डाइट में बढ़ाइए। और होल ग्रेन्स जो होता है वो उसमें भी अच्छा फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी बॉडी में एक झाड़ू का काम करता है। वो हमारे जो फूड जो हम इनटेक करते हैं उसको क्लींस करने में, हमारी बॉडी के अंदर से क्लींस करने में हेल्प करता है। तो अपनी डाइट में हमें फाइबर रिच फूड लेने हैं। थर्ड है, हमें अपनी जो हम डाइट में जो भी खा रहे हैं उसको स्लो ईटिंग करना है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको च्यू करके धीरे धीरे खाना है। आप आज से ही ये नोट करेंगे कि आप वॉच कीजिए कि आप कितने टाइम्स ईट कर रहे हैं, उससे 2 टाइम्स मोर आप उसको च्यू करेंगे। च्यू करने से क्या होता है, जो स्लाइवा है वही हमारे अंदर जाता है और वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अपने फूड को च्यू करके खाएं, क्योंकि अगर हमारे माउथ में तो टीथ हैं लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में टीथ नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता है। हमारी बॉडी पूरा जो हमारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंटेस्टाइन को, उसको ब्रेक डाउन करने में, और फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फूड को च्यू करने के खाना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही। नेक्स्ट आता है, आप मिल्क अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोस्टली लोगों को मिल्क सूट नहीं करता है। मिल्क डाइजेशन में एक इनडाइजेशन क्रिएट कर देता है मिल्क जो है। आप मिल्क का इनटेक ना करें, कम करें। और अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो जो आपने खाना खाया है वो भी ऐसे ही पड़ा रहता है पेट में। इसलिए आप अपनी बॉडी में मूवमेंट लेके आए, थोड़ी देर बाद उठें, कुछ करें, स्टेयर्स पे जाएं या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम आप बैठे ना रहें। क्योंकि क्या होता है कि हम एक टाइम हमने सुबह अगर एक्सरसाइज कर ली, हम फिर पूरा दिन बैठे रहते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें मूवमेंट लेके आनी है अपनी बॉडी में। और है, प्रोबायोटिक इनटेक बढ़ाना है। आप कर्ड ले सकते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो आप के गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसमें आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिलैक्स योर माइंड। व्हेन यू रिलैक्स योर माइंड यू रिलैक्स योर बॉडी। तो जब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, या आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो तो वाइस वर्सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, या आप पेंटिंग ड्राइंग जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स कीजिए। वो आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा आपका गट रिलैक्स नहीं होगा, जब तक गट रिलैक्स नहीं होगा आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको फॉलो कीजिए और डिफरेंस देखिए।